जी स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का क्या काम है, हमारे जो डिटर्मिनेंट को वो क्या कर देते हैं, इजी कर देते हैं। वहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना इजी होने की वजह से बहुत सिंपल हो जाता है। तो उन्हीं को यूज़ करके हम आगे की और एग्जांपल्स करेंगे। कई बार ये भी आ जाता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, तो अगर ऐसा आ जाता है फिर वहाँ पे तो ऑपरेशंस लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने एक्सपैंड नहीं करना देन वी विल हैव टू यूज़ दिस मेथड ओनली, राइट? कि उस डिटर्मिनेंट को इजी बनाओ, कोई प्रॉपर्टी लगाओ डिटर्मिनेंट की और यू फाइंड द आंसर, राइट? तो आज हम आगे की और एग्जांपल्स करेंगे। तो दिस इज़ योर एग्जांपल नंबर 5। इट सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। First is evaluate 1, 1, 1, x, y, z, y, z, z, x, x, y, right? हाँ जी, solution. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं we try to always make maximum number of zeros. तो ये यहाँ पे zero बन जाएगी if you operate C2, if you replace R2 by R2 minus R1. क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम वे इफ़ यू डू रिप्लेस R3 विद R3 माइनस R2 देन अगेन या इट विल बी 0, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिप्लेस R2 बाय R2 माइनस R1 एंड R3 बाय R3 माइनस R2। चाहो तो आप R1 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तभी भी 0 बन जाएगा। सो यू कैन डू बोथ। सो आफ्टर डूइंग दिस दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, सपोज दिस इज डेल्टा, so your delta will be equal to after these two operations, हाँ जी रो वन को मैंने चेंज नहीं किया तो वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है? अब रो टू को चेंज कर रहे हैं हम, कैसे? हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 को R2 विद R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, y माइनस x, zx माइनस yz, ये काम बन जाएगा 1 माइनस 1 0, z माइनस x, एक्स वाई माइनस वाई जेड, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? 1 x y z 0 वाई माइनस एक्स। हाँ जी, अगर हम वाई माइनस एक्स ही बनाना चाहें तो माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? वाई माइनस एक्स। यहाँ पे 0 जेड माइनस एक्स, माइनस माई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? जेड माइनस एक्स, ठीक है? तो अगर आप इसकी R2 देखो, मतलब रो 2 को देखो, तो इस रो 2 में से एक चीज कॉमन आ रही है, वाई माइनस एक्स इज कॉमन फ्रॉम हियर। 0 में से तो हम कॉमन ले ही सकते हैं सब कुछ, यहाँ पे है जेड माइनस एक्स, यहाँ पे भी है जेड माइनस एक्स, तो R3 में से कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स। कॉमन लेने के बाद R1 तो सेम ही है, R2 में क्या बच जाएगा? 0, वाई माइनस एक्स की जगह 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ माइनस एट, और यहाँ पे क्या बचेगा? 0, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस वाई, ठीक है? हाँ जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये नहीं लिखा वी आर नॉट टू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। वी कैन इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, वी कैन एक्सपेंड इट, बट वी आर टू मेक इट सिंपल, ठीक है? फॉर आवर सिंप्लिसिटी, ठीक है? नाउ यू एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू C1। अगर C1 के रिस्पेक्ट में हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 into दिस रो इज गोन, दिस रो इज गोन, तो क्या बच जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस जेड, 1 माइनस वाई, ठीक है? तो इसका डिटर्मिनेंट तो सिंपल ही है 2x2 मैट्रिक्स का, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है? सो वट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस? अगर हम माइनस माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इसी का ही सेकेंड पार्ट है, 1, 1, 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 1 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 0 बनाना चाहें तो वी विल ऑपरेट दिस कॉलम, वी विल रिप्लेस दिस कॉलम विद
this column minus this column, and we replace this column with this column minus this column, or this column minus this column. So that यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, बहुत इजी हो जाएगा. वन एक्स एक्स स्क्वायर क्या कर रहे हैं हम, वी आर रिप्लेसिंग सी टू विद सी टू माइनस सी वन एंड रिप्लेसिंग विद सी थ्री बाय सी थ्री माइनस सी वन. ठीक है, तो वन सॉरी जीरो वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, वन एक्स एक्स स्क्वायर, जीरो वाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स. ठीक है, तो ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और ये बन जाएगा जीरो जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स. ठीक है, डिटरमिनेंट राइट. नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम सी टू, इट इज वाई माइनस एक्स इज कॉमन फ्रॉम हियर. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम सी थ्री, जेड माइनस एक्स इज कॉमन फ्रॉम हियर. सो अंदर क्या बचाएगा, वन एक्स एक्स स्क्वायर, जीरो वन, यहाँ क्या बचाएगा, एक्स प्लस वाई, जीरो वन, यहाँ क्या बचाएगा, जेड प्लस एक्स. ठीक है, नाउ यू एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, विद रिस्पेक्ट टू आर वन. ये दिस इज गोन, दिस इज गोन, अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ वन वन, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई. सो इट विल बी वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर सिक्स. इट सेज विदाउट एक्सपेक्ट प्रूव दैट 1a a 1a a a 1, this is equal to 2a plus 1 1 minus a का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप इसकी एंट्रीज को ध्यान से देखें, अगर हमने एक रो में या एक कॉलम में सेम चीजें बनानी है राइट, तो अगर मैं रो सी वन को रिप्लेस करूं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से, यहाँ क्या बचाएगा, वन प्लस ए प्लस ए, यहाँ क्या बन जाएगा, ए प्लस वन प्लस ए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस ए प्लस वन. ठीक है, सो इन ऑल दिस एंट्रीज विल बिकम टू ए प्लस वन. ठीक है, सो ये बन जाएगा टू ए प्लस वन, यहाँ पे भी टू ए प्लस वन, यहाँ पे भी टू ए प्लस वन, यहाँ बच जाएगा ए वन ए, यहाँ बच जाएगा ए ए वन. ठीक है, हाँ जी, नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम सी वन, टू ए प्लस वन इज कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, वन वन वन, यहाँ ए वन ए, यहाँ ए ए वन. ठीक है जी, हाँ जी, अब एक बार वन बन गया किसी कॉलम में, तो नाउ वी कैन मेक जीरो सो मेनी. कैसे, रिप्लेस आर टू विद आर टू माइनस आर वन एंड रिप्लेस आर थ्री विद आर थ्री माइनस आर टू. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, टू ए प्लस वन. ठीक है, आर वन हमारी सेम रहेगी, वन ए ए, एंड आर टू क्या बन जाएगा आफ्टर ऑपरेटिंग दिस, आर टू विद आर टू माइनस आर वन, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस ए, ए माइनस ए इज ऑल्सो जीरो, यहाँ जीरो, ए माइनस वन, वन माइनस ए. ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे. सो वट इज दिस, नाउ नाउ यू कैन, यू आर वेरी सिंपल, इट इज लेफ्ट वेरी सिंपल. इफ यू एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू सी वन, तो ये क्या बन जाएगा, टू ए प्लस वन, दिस इज गोन, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मेट्रिक्स, 1 minus a, 0, a minus 1, 1 minus a, which is this into this minus this into this. So it is 2a plus 1 times 1 minus a ka whole square. Okay, so this is the required determinant. Next is example number 8. हाँ जी, ये क्या कहती है, प्रूव दैट दिस डिनोमिनेंट 1x x क्यूब
वन वाई वाई क्यूब वन जेड जेड क्यूब दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है. हाँ जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्रीज वन है तो यहाँ पे इजिली यू कैन मेक जीरोस. कैसे रिप्लेस आर टू विद आर टू माइनस आर वन वन माइनस वन जीरो बन जाएगा. रिप्लेस आर थ्री विद आर थ्री माइनस आर टू ठीक है. ऐसा करने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता. तो डू यू हैव दिस. सो लेट डेल्टा बी इक्वल टू वन एक्स एक्स क्यूब वन वाई वाई क्यूब वन जेड जेड क्यूब. सो रिप्लेस आर टू विद आर टू माइनस आर वन एंड यू रिप्लेस आर थ्री विद आर थ्री माइनस आर टू. ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा डेल्टा विल बी वन एक्स एक्स क्यूब ये क्या बन जाएगा जीरो वाई माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो जेड माइनस वाई जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा वन एक्स एक्स क्यूब जीरो वाई माइनस एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी दैट इज वाई माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है. यहाँ क्या बन जाएगा जीरो जेड माइनस वाई ये क्या बन जाएगा जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर ठीक है. इसका डिटर्मिनेंट ठीक है. अब आप देख सकते हैं आर टू में से क्या कॉमन है वाई माइनस एक्स और आर थ्री में से क्या कॉमन है जेड माइनस वाई. अंदर क्या बच जाएगा वन एक्स एक्स क्यूब जीरो वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जीरो वन यहाँ क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर ठीक है. नाउ यू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू सी वन वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई दिस इज गोन दिस इज गोन वॉट इज लेफ्ट डिटर्मिनेंट ऑफ वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ठीक है. हाँ जी ये क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स वाई में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस वाई इज कॉमन जेड माइनस एक्स अंदर बच जाएगा सॉरी प्लस वाई जेड माइनस एक्स ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई ठीक है. जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डू हियर दैट इज एग्जाम्पल नंबर नाइन. जो नेक्स्ट जो बाकी की एग्जाम्पल रह जाएंगी वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी. सो इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बनेगी उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ऑपरेशंस लगाने की. फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट को दैट विच ऑपरेशन वी शुड यूज ठीक है. प्रूव दैट ए ए स्क्वायर ए बी प्लस सी बी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी सी स्क्वायर ए प्लस बी दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी ठीक है. प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस सॉल्यूशन. हाँ जी सो यू इफ यू रिप्लेस c1 विद c1 प्लस c2 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी प्लस सी बन जाएगा यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा c1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल आएगा. कॉमन निकलने की वजह से यहाँ पे वन 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 बन जाएगा. फिर आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सिंपल होता है राइट. सो यू रिप्लेस सी वन विद सी वन प्लस सी थ्री ठीक है. तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी ठीक है. सो ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर हो जाएगा. What is common from here? Common thing is a plus b plus c.
जब आप इसको कॉमन लगाएंगे ये बन जाएगा 111, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी. ठीक है, नाउ यू रिप्लेस आर टू विद आर टू माइनस आर वन एंड यू रिप्लेस आर थ्री विद आर थ्री माइनस आर टू. ठीक है, ऐसा करने से ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हाँ जी, वन ए स्क्वायर बी प्लस सी, आर वन एज इट इज, आर टू, आर टू को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आर टू माइनस आर वन से, तो ये बन जाएगा जीरो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये बन जाएगा जीरो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए. ठीक है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, वन जीरो जीरो ए स्क्वायर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी बी प्लस सी. ठीक है, सी सी कैंसिल, यहाँ बच जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस ए, यहाँ बच जाएगा ए और ए कैंसिल, माइनस ऑफ सी माइनस बी. ठीक है, तो आपको पता है अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इस रो में से कॉमन है बी माइनस ए, इस रो में से कॉमन है सी माइनस बी, बी माइनस ए सी माइनस बी, टेक इट कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, वन ए स्क्वायर बी प्लस सी, जीरो बी प्लस ए माइनस वन, जीरो सी प्लस बी माइनस वन. ठीक है, सो नाउ यू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू सी वन, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ से माइनस माइनस कॉमन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, बी बी कैन सॉरी क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस सी माइनस बी माइनस ए, ये बन जाएगा आपका, आई थिंक देर मस्ट बी सम मिस्टेक, यू कैन चेक इट व्हाट इज द मिस्टेक. सो ये बन जाएगा आफ्टर सॉल्विंग ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस बी, सी माइनस ए टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी. सो चेक हियर व्हाट इज द मिस्टेक एंड करेक्ट इट. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. आपने इस एक्सरसाइज की कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़नी, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ना. ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स करके फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सो आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.